दूसरे तरह की सरकार सिर्फ अपने हित में चलती है, सिर्फ अपने नेताओं के महलों को बनाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और सत्ता में रहने के लिए चलती है। इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए हैं, ताकि सत्ता में रहकर इनकी पार्टियां अमीर बने, इनके नेता अमीर बने। लेकिन आपको इन्हें सिखाना पड़ेगा कि तेलंगाना की जनता बिकेगी नहीं। PRS आई तो लैंड और लिकर माफिया राज करेंगे, अगर BRS आई तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अगर BRS आई तो धरनी पोर्टल द्वारा आपकी जमीनें लूटे जाएंगी, अगर BRS वापस आई तो महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा। और जब जब आपकी समस्याएं होती हैं तो अपना मुंह नहीं खोलते। इनकी जितनी भी नीतियां हैं सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। देखो बहनों और भाइयों, सीधी सी बात है, आपको इंदिरा अम्मा याद है? सोनिया अम्मा से प्यार करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने आपकी सेवा की। जब आप संकट में थे, आपकी आवाज सुनी। उनकी जो सरकारें थी, उनका जितना भी काम था वो आपके पक्ष में किया किया। सीधी सी बात है, एक तरह की राजनीति, एक तरह की सरकार जनता के लिए चलती है, जनता के हित में चलती है। और दूसरे तरह की राजनीति, दूसरे तरह की सरकार सिर्फ अपने हित में चलती है, सिर्फ अपने नेताओं के महलों को बनाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और सत्ता में रहने के लिए चलती है। आप सब तेलंगाना के लिए लड़े, क्या इसलिए लड़े कि आपकी सारी आशाएं, आपके सारे सपने तोड़े जाएं और आपका भविष्य अंधकार में हो? ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार है, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। कालेश्वरा मारारार कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें से कमीशन बहुतों ने खाया। तेलंगाना का गरीब और भी गरीब होता चला गया और BRS पार्टी अमीर होती चली गई। चाहे BJP हो, चाहे BRS हो, इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए हैं, ताकि सत्ता में रहकर इनकी पार्टियां अमीर बने, इनके नेता अमीर बने। चुनाव आने के समय पोल मैनेजमेंट का काम शुरू करते हैं, लेकिन आपको इन्हें सिखाना पड़ेगा कि तेलंगाना की जनता बिकेगी नहीं। तेलंगाना की जनता अपने अधिकारों के लिए पहले भी लड़ी है, आज भी लड़ेगी। 10 सालों से देख रही है कि एक ऐसी सरकार चल रही है जो जनता के लिए नहीं काम करती। आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि अगर BRS की सरकार 5 साल और के लिए आई तो फार्म हाउस से चलेगी सरकार। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि अगर BRS आई तो लैंड और लिकर माफिया राज करेंगे, अगर BRS वापस आई तो रोजगार नहीं मिलेंगे, अगर BRS वापस आई तो पेपर लीक होते चले जाएंगे, अगर BRS आई तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अगर BRS आई तो पक्के घर नहीं बनेंगे, अगर BRS आई तो धरनी पोर्टल द्वारा आपकी जमीनें लूटे जाएंगी, अगर BRS वापस आई तो महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा, अगर BRS वापस आई तो तेलंगाना शराब में डूबता चले जाएगा, अगर BRS वापस आई तो तेलंगाना का कर्ज बढ़ता चले जाएगा, अगर BRS वापस आई तो दलितों और आदिवासी भाई बहनों को अपना हक नहीं मिलेगा, दोराला तेलंगाना मजबूत होगा, मल्ली रायतु और प्रजा कमजोर होंगी, और कांग्रेस आई तो प्रजा पालना भवन से सरकार चलेगी, कांग्रेस आई तो जिस तरह से हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रोजगार दिलवाए हैं उस तरह से आपको यहाँ भी रोजगार दिलवाएंगे, अगर कांग्रेस पार्टी आई तो आपका पैसा आपके जेब में वापस डाला जाएगा, आपको जमीन के पट्टे मिलेंगे, आपको भर घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों
आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। आप पूरे तेलंगाना में जहां भी जाना चाहें आपकी बस यात्रा फ्री होगी। रायतू को ताकत मिलेगी, धान पे 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा, 24 घंटे बिजली दिलवाएंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, MSP गारंटी होगी। बुजुर्गों को 4000 रुपए मिलेंगे पेंशन के लिए और प्रजाला तेलंगाना मजबूत बनेगा। तेलंगाना के बड़े बड़े नेता अपने महलों में, अपने फार्म हाउस में बैठकर सरकारें चला रहे हैं। उनसे ही सीखा आपके विधायक ने, जो आपके बीच आते नहीं हैं और जब जब आपकी समस्याएं होती हैं तो अपना मुंह नहीं खोलते। आपकी यहाँ पे भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो RRR का प्रोजेक्ट है उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ कितने लोग उसी प्रोजेक्ट से पीड़ित हैं और विस्थापित हुए उसकी वजह से। अनिल रेड्डी जी आपके साथ खड़े हुए लेकिन आपके विधायक ने मुंह नहीं खोला। यहाँ मेरे बुनकर भाइयों की समस्याएं हैं, बहुत सारे वादे किए गए थे आपसे, रखे नहीं गए, आपकी कोई मदद नहीं होती। 10 सालों से BRS की सरकार चल रही है तेलंगाना में, इनके सारे नेता बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, इनकी जितनी भी नीतियां हैं सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। ये छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वालों, मिडिल क्लास, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों के लिए कुछ नहीं है। तेलंगाना का नौजवान इस प्रदेश के लिए लड़ा, सैकड़ों नौजवानों ने अपनी जान दी, उनका खून आपकी भूमि में मिला हुआ है और आज BRS के 10 सालों के राज के बाद उन्हीं के भाई बहन रो रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप फीस भरने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए, पेपर लीक हो जाते हैं, कितनी भी मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, फिर भी जैसे आप सब ने कहा कोई रोजगार की उम्मीद भी नहीं रख सकते।